हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए 30 सितंबर 2019 की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लर्क की आंसर की लेके आया हूं, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हों, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना, जिससे मैं आपको इसकी मेरिट लिस्ट आपको बता सकता हूँ कि कहाँ तक मेरिट जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके मैं 100% सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पूछ रहे हैं उसे चुने जो बाकी से अलग है। तो इसमें दो ऑप्शन बैठ रहे हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका 15 बैठ रहा है। 15 क्यों बैठ रहा है? क्योंकि चार नंबर आपके, चार में से आपके क्या है, प्रत्येक नंबर 5 से डिवाइड नहीं है, केवल 15 को छोड़ करके, ठीक है। बाकी 15 डिवाइड है, बाकी 3 नंबर्स जो बच रहे हैं वो 5 से डिवाइड नहीं है। दूसरा क्या बैठ रहा है? एक 7 बैठ रहा है। 7 क्यों बैठ रहा है? क्योंकि बाकी जो है 2 डिजिट नंबर है और ये 7 जो है 1 डिजिट नंबर है। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन होगा इसका डी होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल क्या है? तो इसकी जो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है वो आपकी चावल, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यह है EGIKFILO, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या है? GJMP, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका हरियाणा का प्रथम गवर्नर था कौन था? ये आपका श्री धर्मवीरा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि समुच्चय 1, 2, 3 पर एक संबंध आर इस प्रकार जो दिया हुआ है, इसमें क्या है आपका? इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। कोई सा भी इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेता आपका। नेक्स्ट चल रहे हैं। ये कह रहा है यदि एक्स का अर्थ प्लस है, वाई का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ पी का अर्थ, ये स्टेप से जेड का अर्थ क्या है आपका? प्लस, और पी का मींस मल्टीप्लाई है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी वो है 20, ऑप्शन ए, क्लियर है। आगे चलते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी है कवारत्ती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि फलन इस प्रकार है तो एफ माइनस फोर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी सी, ऑप्शन 36, ठीक है। अभी वह क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इसकी जो इकाई होती है केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा असाइनड ऑपरेटर नहीं है? तो इसका जो ऑपरेटर नहीं है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये जो स्थापित किया गया था ये 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम चुने। जो इसका विषम है ऑप्शन सी है आपका, क्या है? सुविज्ञ, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के यमुनानगर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कागज़ का शहर कहा जाता है, ठीक है। और फिर है 14, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस विद्वान द्वारा रचित है? तो इसको किसने लिखा था? हरीशयन ने, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैं हों, तो अल्फा पॉन बीटा माइनस बीटा पॉन अल्फा की जो वैल्यू होगी ऑप्शन सी जो है आपका बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगी, ठीक है। फिर 16, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है आपका नंदन नीलकणी समिति, ठीक है। आगे चलते हैं। चरखी दादरी जिला वर्ष में बना, तो जिला वर्ग कब बना था आपका? दिसंबर 2016 में, ठीक है। आगे चलते हैं। कमरे के तापमान पर एक पैरामैग्नेटिक, इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन है सी, 0.039 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है। अब क्या है? HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? तो ये ऑप्शन डी आपका मानेसर, ठीक है। यह श्रृंखला पूर्ण करें, तो श्रृंखला पूर्ण करने के लिए क्या है? 2, 3, 6, 15, 42, तो फिर क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है ए, 123, ठीक है। अब ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इसकी ये किसकी पुस्तक है आपकी? सौरभ गांगुली की, ऑप्शन सी, ठीक है। अब क्या है? परिमाण दस इकाई का एक सदिश, इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी, ये 10 × 3i − 4j − k, क्लियर है। अभी वेक्टर इसका परिमाण क्या है? जो इसका ऑप्शन है बी, 10 × 14.1, ठीक है। नोट्स जिनमें कोई चिन्ह नहीं है नोट्स कहलाते हैं, तो कैसे नोट्स कहलाते हैं? ये आपके लीफ नोट्स, ठीक है। 25 है, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मेवात की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी, ठीक है। ये संख्या वर्ण समूह चुने जो दूसरों से अलग है, तो ऑप्शन बी जो आपका 12m ये अलग है,
ठीक है, कैसे अलग है? 24x पर आता है, 24 पर x आता है, 22 पर v आता है, और 18 पर r आता है अल्फाबेट में, ठीक है। तो और जो m जो आता है वो 13 पर आता है। अब 27, यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल है, तो 1 + ω माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 - ω + ω² की पावर 3, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी 0, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, हरियाणा किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है आपकी वर्षा? अम्बाला जिले में, ऑप्शन डी। कोने और किनारों को जो सेट उन्हें जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्राफ, ऑप्शन डी आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हांसी में स्थित अलीगढ़, ये अलीगढ़ नहीं असीगढ़ है, असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था क्या कहलाता है? तलवार का किला कहलाता है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो कौन सा समूह संबंधित नहीं है आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। ये 32, यदि किसी एकल वर्ग प्राप्त होते हैं तो इसे वन समूह कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन सी, अधिश्रेणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है वो आपका बी, ठीक है। आगे चलते हैं, समरूपता देखनी थी कैसे करनी है। और हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था, कब जारी किया था? 22 अप्रैल 1994 को, हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। 35 में आता है, जो 34 का ऑप्शन है आपका सी है। 35 में वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब 36, पॉइंटर्स पर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? तो कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? दो पॉइंट्स को जोड़ना, टू पॉइंटर्स का जोड़, ठीक है, 36 का डी। आगे चलते हैं, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्रवाई कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थयात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, तो इसका ऑप्शन है आपका ए, तीर्थ दर्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी 1930, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि वाई इक्वल टू इतना है तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा? तो डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो होगा 1, क्लियर है। आगे चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक जहाँ भारत दुनिया का 144वें स्थान पर है, कि किसके द्वारा जारी की जाती है? जारी की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? पश्चिमी, ये आपका पानीपत, ठीक है ना, सॉरी हिसार, कहाँ पर आपका? हिसार, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ए 42, कार्बोरंडम क्या है? कार्बोरंडम जो है आपका ये सिलिकॉन कार्बाइड है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो आपको 41 का बताई दिया मैंने आपको, डी है हिसार। आगे चलते हैं 43, तो इसका ऑप्शन इसे छोड़ो फिलहाल में, नेक्स्ट जब इसके आंसर क्या है तब देखना। फिर 44 आपका, सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? तो ये क्या? सिरसा, ठीक है ना, कहाँ पाई गई है? सिरसा में, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे चलते हैं, 45 में इसके जो आंसर है इसका आंसर आपका 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 46, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये है 1986, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? तो किस शहर में स्थानांतरित किया गया? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। यदि अल्फा बीटा ये है कि मूल है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर जो एक्स क्यूब दे रखा है एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर से करते हैं तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए जो है हमारा वो ठीक है, यदि हम एक्स क्यूब मान के करेंगे तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया विश्व कुशाली रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान रहा है, ठीक है, तो क्या रहा है आपका? 140, क्लियर है। आगे चलते हैं, यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो अल्फा की वैल्यू पूछे, तो इसका ऑप्शन सी आपका -1 आंसर है, ठीक है। 51 में C11, इसका जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है, 21 है, ठीक है। आगे चलते हैं, 52 में फंक्शन कॉल को फंक्शन परिभाषा से जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको एन, इसके अभी ऑप्शन मिला नहीं है, ठीक है ना, देखेंगे इसके ऑप्शन जब भी मिलता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि किसी बच्चे के पास, स्टूडेंट्स के पास हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
53 का हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी। वैसे तो देखा जाए तो 1970 है, लेकिन इसका जो आंसर आपको क्लियरली मिला नहीं, कहीं कहीं आपको 1970 भी और 1980 भी है। 1970 में तो ये मारुति सुजुकी गुरुग्राम में आ गई थी, लेकिन पहला उत्पाद जो बनाया इसका वो आपका 1980 में बनाया था, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, 1970 भी 1980 भी, ठीक है। यदि स्थापना दिवस स्थापना वर्ष पूछे तो 1970, अभी उत्पादन वर्ष पूछ रहा है तो शायद 1980 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 54 में विषम चुने, ठीक है, जो ओड चुनना है तो क्या है आपका, एक वर्ग एक घन एक आयत है, तो क्या बचा, ऑप्शन बी त्रिकोण, क्लियर है। और 55 का ऑप्शन, ये भी जैसे आपको मुझे आंसर मिलता है तो आपको बताता हूँ, यदि किसी के पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 56 का जो है आपका, ये अनुच्छेद आपका 32 है, ऑप्शन ए, ये क्या है, इसे छोड़ो। 58 पर चलते हैं, गैस संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी। जो बैठक आयोजित की गई थी वो अगस्त के समथिंग की गई थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन है आपका अगस्त दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम सितंबर मानेंगे, ठीक है। 58 का ए, हर्षचरित द्वारा लिखा गया है, तो क्या लिखा है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्र सेना किसने स्थापित की थी, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित की थी, ऑप्शन डी, ठीक है। और यह शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई थी, तो ऑप्शन ए है सीटो, ठीक है। आगे चलते हैं, श्रृंखला पूर्ण करें 917-65, तो ऑप्शन है आपका बी 129, ठीक है। आगे चलते हैं, वी आर डिस्पेस्ड शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है, तो यह है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन ए, ठीक है। मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और गड्ढे कठोर कैलिकेरियम बजी से बनी, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला बंकर्स, ठीक है, ऑप्शन बी, क्लियर है। एक कण इतना है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी ठीक है। इसका क्या है, VF बराबर 20+40 माइनस इतना, क्लियर। अगर इसने ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था, तो इसका जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड ड्रिपन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, समरूपता पूर्ण कीजिए BAYZCDXW, इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हमारा ठीक है ए GHTS, ठीक है। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचार में इन्होंने किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संसद, ये आपका ऑप्शन डी मंदुरीगांव, ठीक है। ये हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, क्या बनाए, चक्र बनाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, तो ऑप्शन सी ठीक है आपका, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ये अगर दिल्ली को CCID के रूप में लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो देख सकते हो आप दिल्ली डी में से एक घटा है सी, और ई में दो घटा रहा है, फिर एच एल में दो तीन घटा रहा है, एच में चार घटा रहा है, आई में पाँच घटा रहा है, तो ऐसे देखते हैं बॉम्बे में एक घटाएंगे तो ऑप्शन आपका ए जो है ये ठीक हो जाएगा। ये 73 में फाल्गुन नृत्य के माह में किया जाता है, तो किस माह में किया जाता है, फाल्गुन माह में, ऑप्शन ए। 74 का जो ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या चुनना है, इसमें हमें चुनना है कि जो सबसे कम मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। तो अभी यदि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हों, सभी क्वेश्चन आपके ठीक रहे हों, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अपने मार्क्स पता चल जाए, ठीक है ना। थैंक यू।